सबसे विदा लेकर के जनक जी के पास, दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण जानकी मैया आते हैं और विदा लेकर के महाराज दशरथ से चल पड़े। पूरे अयोध्यावासी आज रो रहे हैं कि हो रहे राम वनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है, हो रहे राम वनवासी है, रो रहे अयोध्यावासी है। पूरे अयोध्यावासी रो पड़े, कहा प्रभु जिस अयोध्या में राम नहीं है उस अयोध्या में रहने का कोई मतलब नहीं है। अयोध्या से राम नहीं है बल्कि राम से अयोध्या है और हम सब आपके साथ चले। भगवान राम के साथ साथ पूरी अयोध्यावासी चल पड़े। चलते चलते दो दिनों तक दो रात्रि विश्राम हुआ। तीसरे दिन की रात्रि में पहुंचे तमसा मैया के तट पे। जाने के पश्चात निषाद राजगुह के पास भगवान राम पहुंचे। आज रात्रि में तमसा मैया के तट पर भगवान ने सबको सुला दिया, अपनी माया से सबको सुला करके भगवान राम चल पड़े श्रृंगवेरपुर में। भगवान राम जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां जाने के पश्चात निषाद जी ने भगवान की बड़ी सेवा की, बड़ा आवभगत किया। भगवान ने कहा, मित्र आपने सेवा तो की लेकिन मैं किसी नगर में, किसी ग्राम में, किसी के घर पे नहीं रुक सकता, मैंने उदासीन व्रत लिया है। और भगवान रात्रि में विश्राम करते हैं भूमि पर। भगवान राम जानकी मैया को सोता हुआ देख करके निषाद जी रो पड़े। लक्ष्मण जी ने समझाया, कहा निषाद जी कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों की खेती है, सो जो दुख पाते हैं सुख पाते हैं। और आप जिसे देख रहे हैं भूमि पर सोते हुए, ये कोई साधारण नहीं, ये तो ब्रह्म है, इनके चरणों से ही गंगा मैया निकली है। उसी रात्रि केवट भैया पहरा दे रहे थे और केवट भैया ने सुन लिया ये भगवान है। केवट भैया ने सोचा कल प्रातः काल ये निकल जाएंगे, इनकी सेवा कैसे करूं। प्रातः काल हुआ, निषाद जी से जाकर के केवट भैया ने कहा, प्रभु आज इस गंगा जी के तट पर कोई मल्लाह आना नहीं चाहिए मेरे अलावा। पूरे नगर में नगाड़े बज गए, कोई नहीं आएगा। आज भगवान श्री राम बट का दूध मंगा करके जटाओं को बांधा और बांध करके आरिष्मंद जी को विदा किया है। विदा करने के पश्चात आज भगवान राम गंगा मैया के तट पर पहुंचे। बोलो गंगा।